ये देखिए वही बोल रहा है दिल्ली पुलिस जिंदाबाद बोल रहा है हिंदुस्तान जिंदाबाद और पहले ये पैसों पकड़ लो नहीं तो पकड़ो रुक जा ये पुलिस के सामने फायरिंग कर रहे हैं ये पुलिस के सामने इनको भैया को गोली लग गई है ये भाई को गोली लगी है भाई को गोली लग गई है अरे पुलिस वाले कहां ले गए उठाओ कोई नहीं आएगा कोई नहीं पुलिस की एक बड़ी फोर्स भी है यहाँ पर और साथ में स्टूडेंट्स की हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। आप लोग प्लीज खामोश हो जाइए। आज जामिया के स्टूडेंट्स ने गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी पर जामिया से राजघाट तक ज्वाइंट लॉन्ग मार्च निकालने का प्रयास किया था लेकिन पुलिस ने बीच में ही जामिया के पास ही बैरिगेट लगाकर उन्हें रोक लिया। तो फिलहाल ये बच्चे जो ये स्टूडेंट्स जो हैं वो बैरिगेट्स तोड़ के उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस रोक रही है। तो अभी फोर्स जो है वो दोगुनी कर दी गई है और फोर्स आ रही है। आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे पुलिस और भी आ रही है। आप अपने जो भी मेमोरेंडम दीजिए अभी वो जॉइंट चीफ जाएगा तो अभी ना स्टूडेंट्स पीछे हट रहे हैं और ना ही पुलिस हट रही है। हम आपको दोनों तरफ दिखाते हैं, इस तरफ मेरे पुलिस है और दूसरी तरफ जो है वो स्टूडेंट्स हैं। और आज करीब 2 बजे एक शादाब नाम के लड़के को गोली भी लगी है। MCRC का स्टूडेंट बताया जा रहा है, मैं फर्स्ट ईयर का, और फिलहाल वो होली फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उसके हाथ में गोली लगी है।
अंसारी के साथ हिंद न्यूज लाइव देख रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो आप सीधे जामिया से देख रहे हैं। जामिया के बाहर जो रोड है होली फैमिली हॉस्पिटल के पास, वहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। जामिया के स्टूडेंट्स ने जॉइंट लॉन्ग मार्च निकालने की कोशिश की थी आज गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी पर, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही बीच में ही उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया। आपको बता दूं, आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपने राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे।